सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सार्वजनिक बयान दिया है, और जब मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक बयान दिया है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई विवादास्पद, बेतुका, बेढंगा, अनर्गल बयान ही होगा, और ऐसा ही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में एक शोक सभा में थीं। यह शोक सभा अरुण जेटली और बाबूलाल गौड़ के निधन के बाद बीजेपी की तरफ से रखी गई थी भोपाल में। अरुण जेटली पूर्व केंद्रीय मंत्री और बाबूलाल गौड़ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। तो इस शोक सभा में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आईं, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं का एक के बाद जाना विपक्ष की साजिश है। ये जितने भी दिग्गज मजबूत कद्दावर नेता हैं जिनके बूते बीजेपी रही है, या जिन्होंने बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचा है, जिनके होने से बीजेपी ताकतवर रहेगी, उन सभी नेताओं का इस दुनिया से जाना सिर्फ एक ही साजिश का नतीजा है, और वो है तंत्र साधना, और ये तंत्र साधना विपक्ष करवा रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी उस दौरान एक साधु बाबा मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि वक्त बहुत खराब चल रहा है, अपना ध्यान रखना, साधना कम मत करना, बहुत सारे लोग तंत्र साधना कर रहे हैं और वो बीजेपी के लिए खतरनाक भी है, तुम्हारे ऊपर भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब यह बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही। बीजेपी के वहाँ जितने भी नेता थे उन्होंने बात सुनी और इस कान से सुनकर के इस कान से निकाल दिया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की वो सांसद हैं जिन्होंने भोपाल से दिग्विजय सिंह को हराया, और दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कौन लड़ेगा बहुत सोचने विचारने के बाद उनकी उम्मीदवारी तय की गई थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी हैं, लेकिन NIA ने जो अपनी चार्जशीट तैयार की उस चार्जशीट में उनको बरी किया। बरी किया मतलब उसकी तरफ से वो कहीं भी दोष युक्त नहीं दिखती हैं, दोषी कसूरवार नहीं दिखती हैं। यह जो मालेगांव ब्लास्ट है 2008 में धमाका हुआ था सितंबर में, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे, इस बात की जांच महाराष्ट्र की ATS ने की थी, और उस ATS के मुखिया थे हेमंत करकरे, जो 2008 में आतंकवादियों का हमला हुआ तो उसमें वो शहीद हुए। उसी हेमंत करकरे की अगुवाई में ATS की जांच के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि ATS ने माना था कि जिस मोटरसाइकिल में बम ब्लास्ट हुआ था वह मोटरसाइकिल सूरत और सूरत से फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक जुड़ती है, वो उसकी मालिक हैं। लेकिन जब 2011 में ATS से NIA को जाँच सौंप दी गई, उसके बाद यह जाँच NIA ही करती रही, और पिछले साल यह NIA ने तय कर दिया कि इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कोई दोष नहीं है, मोटरसाइकिल जिस आदमी के पास थी 2 साल से उसी के पास थी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर बस थी, और उसके बाद से वो बीजेपी का उम्मीदवार बनी भोपाल से और चुनाव जीत करके वो संसद में पहुंची। हेमंत करकरे के बयान को लेकर के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चर्चा में रहीं, विवादों में रहीं, और बयान ये था, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर किस तरह की नेता हैं या साध्वी हैं जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया था पूछताछ के दौरान, और मैंने उसको श्राप दिया था कि तेरा कल्याण नहीं होगा, तू मारा जाएगा, और इसीलिए वो आतंकवादियों के हाथों मारा गया। इस बात पर बहुत छीछालेदर उनकी हुई थी। उसके बाद दक्षिण के बहुत बड़े सुपरस्टार कमल हासन का लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान था कि देश का पहला हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। इस बयान पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक अलग बयान था, और उन्होंने कहा था कि नहीं, जिन लोगों ने कहा है गलत कहा है, बल्कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। यह जैसे ही बयान आया और देश के तमाम मीडिया चैनलों के जरिए लोगों तक पहुँचा, बवाल हो गया। यहाँ तक कि बाद में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ़ी मांगनी पड़ी, अपना बयान वापस लेना पड़ा, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस तरह के बयान के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है, ये बहुत ही ख़तरनाक बयान है, ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ जो कुछ भी कहा जाए वो कमतर है, और मैं
उन्होंने भले ही माफ़ी मांग ली हो, लेकिन मैं मन से कभी उनको माफ़ नहीं करूँगा। वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में अब कह रही हैं कि तंत्र साधना विपक्ष करवा रहा है और तंत्र साधना के चलते ही वो बीजेपी के नेताओं को मरवा रहा है। बीजेपी के जितने भी नेता पिछले साल सवा साल में गुजरे हैं वो उसी तंत्र साधना के कारण हुए हैं और बीजेपी को इसका कोई ना कोई इंतजाम करवाना चाहिए, यानी कि इसकी काट अपने पास रखनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इशारों में अपनी बात कहने के दौरान वो कहीं ना कहीं यह बात भी कह रही थी, इस बात का भी इशारा दे रही थी, संकेत दे रही थी अपनी पार्टी को। बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तंत्र साधना कांग्रेस करवा रही है, विपक्ष करवा रहा है, बीजेपी के जितने भी नेता मारे जा रहे हैं तांत्रिकों की वजह से मारे जा रहे हैं। तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि सचेत रहना, अपनी साधना कम मत करना, बढ़ाए रखना, खतरा तुम पर भी है। तो ऐसे लोग भी हमारे सांसद हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।